यहाँ क्या कर रही है? भैया मुझे छोड़िए, लेकिन आपने कब ये फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया? देख, पहले तुझसे जो पूछा ना वो बात बता। मैं तो यहाँ ये डिलीवरी देने आया था और ऑर्डर लेने इस घर से तू निकली है। बता क्या कर रही है यहाँ पे? भैया वो आज ना कॉलेज की क्लास नहीं थी तो इसलिए हम कॉलेज नहीं गए। मेरी फ्रेंड है ना प्रांजल, ये उसी का घर है इसलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा, पर मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। भैया वो हम मिलके प्रोजेक्ट बना रहे थे ना तो वो अंदर ही बैठी हुई है। अबे यार बेबी क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ऑर्डर लेने के लिए भेजा था और तुम होगी इसी से बातें करने लगी। चलो ना अंदर, जो करने आए वो करते हैं ना। कितना अच्छा मौसम बना हुआ था, इसने आकर सारा खराब कर दिया। अच्छा तो ये है तेरी दोस्त प्रांजल, इसी के साथ कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रही हो ना इस घर में? अबे ओए तू कौन होता है ये सब पूछने वाला, और ये प्रांजल कौन है? और तू फूड डिलीवरी करने आया था ना, ला ऑर्डर इधर दे। और तो जिसके पैसे मिल गए होगे ना, चल निकल यहाँ से। चलो बेबी अंदर। और तू अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ है, चल निकल यहाँ से। ओए होश में रह के बात कर, बहन है वो मेरी और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या बहन? हाँ, और बड़े भाई होने के नाते मेरा ये अधिकार बनता है कि उससे पूछूं कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ कॉलेज टाइम पर उसके घर पे कर क्या रही है। तुम्हारी बहन? अरे यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम तो बोलती थी तुम्हारा भाई किसी बड़ी कंपनी में सीईओ है, फिर ये सब क्या है, डिलीवरी बॉय, फंसा दिया ना तुमने। वो सब छोड़ो, मुझे तो खुद ही नहीं पता था, तुम मेरे बारे में सोचो कि मेरे लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। अब तो हम दोनों गए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। यार मुझे ना बहुत भूख लगी है, पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना। ठीक है, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, जब तक खाना आएगा तब तक हम दोनों। अच्छा अब समझ में आया मुझे कि कॉलेज का बहाना करके तू पापा और मुझे, हम दोनों को धोखा दे रही है और ये गुल खिला रही है। भैया मेरी बात सुनिए। बस, और तुझे जानना था ना कि मैं फूड डिलीवरी का काम क्यों कर रहा हूँ। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 महीने पहले कंपनी के रिसेशन की वजह से मेरी जॉब चली गई थी और इसलिए मैं ये काम करने लगा, और तू स्टैंडर्ड में बहुत बिलीव करती है ना, इसलिए मैंने तुझसे ये सब छुपाया कि मैं ये काम करता हूँ, ताकि तुझे ये ना लगे कि तेरा स्टैंडर्ड लो हो गया। अरे मैं और पापा हम दोनों मिलकर कितना काम करते हैं ताकि तेरी पढ़ाई ना रुके। तुझे पता है ना कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है, और तू ये सब। छी, मुझे नहीं पता था कि मैं जिस बहन की पढ़ाई के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ वो हमारे पीठ पीछे ये सब करतूतें करती है। कॉलेज ना जाकर तो अपनी पढ़ाई का नुकसान तो कर ही रही है और यहाँ पे अय्याशी भी कर रही है। भैया एक काम करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं ना, सब लोग देखो ना सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा भैया, प्लीज चलते हैं ना अंदर। क्यों, अब शर्म आ रही है? अरे खुद सोच, अगर ये सारी बातें मम्मी पापा को पता चलेगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। और तेरी वजह से ना हम सारे फैमिली इस मोड़ पर आकर खड़े हैं कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हर चीज की ना उम्र होती है, और तेरी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, ये अय्याशी करने की थोड़ी है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भैया। हाँ भैया हमसे नादानी में बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने दीजिए ना, मैं पक्का दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे भाई तू क्यों माफी मांग रहा है, तुझसे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, और वैसे भी मैं तुझे जानता ही कहा हूँ, और वैसे भी अपना ही सिक्का खोटा हूँ ना तो दूसरे पे उंगली क्या उठाए। तो एक बात खुद सोच, अगर तेरी बहन इसी तरह तुझे बिना बताए, तेरे माँ बाप को बिना बताए किसी और लड़के के साथ उसके घर पर जाए तो तुझे कैसा फील होगा? भैया मुझे अपनी गलती का पछतावा है। और मैं दुआ करूंगा कि तेरी बहन मेरी बहन की तरह अपने माँ बाप को धोखा ना दे, और तेरा फैसला तो पापा करेंगे। शेम ऑन यू।